यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सहसपुर पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, साथ ही रैकेट के संचालक, पति पत्नी और तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं उनके कब्जे से जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेली गई दो युवतियों को मुक्त कराया गया है। सहसपुर पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर राजा रोड स्थित एक किराए के मकान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम के साथ छापा मारा गया, जहां पुलिस ने दो अलग अलग कमरों में दो युवतियों और तीन युवकों को आपत्तिजनक हालत में देखा और उन्हें वहां से फिर हिरासत में लिया। साथ ही मकान से कई तरह की आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी दीपक और उसकी पत्नी प्रिया देह व्यापार का धंधा चला रहे थे, जिसके चलते उन्हें भी मौके से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि दीपक और उसकी पत्नी प्रिया अलग अलग जगहों से युवतियों को लाकर और पैसों का लालच देकर इस धंधे में धकेलने का काम कर रहे थे, जबकि मुक्त कराई गई युवतियों को जबरन इस धंधे में लगाया गया था और उन्हें पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ संबंधित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कल देखिए एक इनपुट मिला था कि राजा रोड पे एक पति पत्नी है जो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, ये बाहर से लड़कियों को लाके और उनसे देह व्यापार करा रहे हैं। इस सूचना को मेरे द्वारा एसएसपी महोदय को अवगत कराया गया और उनपे उनके द्वारा फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को भेजा गया। फिर हम लोगों ने संयुक्त रूप से जब उस घर पर जाके छापेमारी की तो वहाँ से दो कमरों से हमने दो लड़कियों को रेस्क्यू किया और उनके साथ आपत्तिजनक स्थिति में तीन ग्राहक थे, उनको हमने गिरफ्तार किया और इन पति पत्नी को गिरफ्तार।